हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे दी टर्न्स मूवी के थियरी के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो थियरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर गलती से भी थियरी सच होती है तो आप लोग मेरी बैंड बजा ही दोगे। तो अब मैंने स्पॉइलर वार्निंग दे दिया है, तो चलिए अब शुरू करते हैं थियरी को। तो थियरी के अकॉर्डिंग दी टर्न्स मूवी में हमें ये बताया जाएगा कि हज़ारों साल पहले दी टर्न्स को क्रिएट इसलिए किया जाता है क्योंकि दी टर्न्स के मेंबर रोक सके क्रो और दी डेवियंट्स को। लेकिन जब दी टर्न्स और दी डेवियंट्स की लड़ाई होती है, यानी कि फाइट होती है, तभी दी डेवियंट्स जीत जाते हैं दी टर्न्स से, और दी डेवियंट्स भेज देते हैं आधे टर्न्स को टाइटन पे और आधे टर्न्स को अर्थ पे। और फिर मूवी में प्रेजेंट डे दिखाया जाता है। प्रेजेंट डे यानी कि उस समय का प्रेजेंट डे, ना कि 2023 वाला प्रेजेंट डे जो कि एमसीयू की टाइमलाइन है। तो उस प्रेजेंट डे में हमें दिखाया जाता है कि जो टाइटन के मेन इटर्नल्स होते हैं, जैसे कि एलार्स, एरोस और पेक्सी, इन लोगों को एक कॉल आता है अर्थ से, और वो जो कॉल होता है वो फेक होता है। यानी कि मूवी का जो विलन होता है, सेकेंड विलन ड्रेक, उसने किया होता है। तो वो लोग जाते हैं अर्थ पे, और जैसे वो लोग अर्थ पे पहुँचते हैं तो ड्रेक अटैक करता है इन तीनों पे और इन तीनों को मार देता है। और इन तीन इटर्नल्स के मरने के बाद जो अर्थ पे इटर्नल्स होते हैं उन लोगों को पता चलता है कि ये तीनों मर चुके हैं। फिर वो लोग फाइट करने जाते हैं दी डेवियंट से और जो ड्रेक होता है उससे। लेकिन इस बार जो फाइट होती है दी इटर्नल्स की, तो इस टाइम पे दी इटर्नल्स जीत जाते हैं डेवियंट्स और ड्रेक से, और उन्हें एहसास होता है कि फैमिली और अर्थ कितने इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। और इसी के साथ हमारी थियोरी होती है ख़त्म। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को मैंने ये थियोरी में स्टार्ट टू एंड का प्लॉट बताया है। तो आप लोग दी टर्न्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग वो भी देख सकते हो, आप लोगों को सुन के मज़ा आएगा। वहाँ पे मैंने म्यूटेंट्स के बारे में बात किया है, तो आप लोग देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो, या फिर मैं एंड कार्ड में भी दे दूंगा, तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो मेरे फैंस है वो वीडियो को लाइक करो, और जो हेटर्स है वो डिसलाइक करो, और जो दोनों भी नहीं वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।